बोल साचे दरबार की जय। गाइस पॉपट हो गया, बहुत बड़े वाला पॉपट हो गया। हेलो गाइस, मैं मम्मी जोड़ी हमारी ताई। सो हे गाइस एंड वेलकम टू माय एपिसोड एंड मेक श्योर आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ अपने ऊपर वाले रूम से और मस्त रेडी हो चुके हम लोग सुबह सुबह नहा के मस्त, क्योंकि आज आप लोगों को पता है क्या है, क्या है आज? नवरात्रि का हमारा लास्ट दिन अष्टमी। इस दिन का तो खैर आप लोगों को पता है, वेट रहता है माता के नवरात्र का, मतलब मजा आ जाता है। सारे बच्चे आते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, उनको मतलब ट्रीट करते कैसे माता रानी की तरह, और फिर उनमें से एक लंगूर भी आता है तो अलग ही मजा आता है, अलग ही वाइब्स आती है। तो फिलहाल अभी हम है अपने मंदिर के ठीक सामने और सुबह उठते हमने माता जी का आशीर्वाद ले लिया। फिलहाल अभी हर जगह साफ सफाई कर दिया और यहाँ हम लोगों ने चटाई और चादर बिछा दी, क्योंकि यहाँ बैठ के अष्टमी जमाएंगे हम लोग। तो गाइस मम्मी जी हमारे यहाँ बना रही है पूड़ियाँ गर्मा गर्म, आहा मस्त मजा आ जाता है। मम्मी कैसा लग रहा है आज? पूजा का दिन, मतलब साल में नवरात्रि दो बार आती है, सबसे मस्त यार, अलग ही वाइब्स आते हैं नवरात्रि वाले दिन, सबसे मस्त वाइब्स, मजा आ जाता है। तो गाइस अब हम लोगों को ये काम दे दिया है और जो पिछले 5 साल से मैं कर रहा हूँ, हम लोगों को कन्या को ढूंढने का काम मिल चुका है। और आज के दिन इनका ना मतलब बच्चों का वही सही रहता है, हर घर में प्लेट लेके जाना और सही कमाई, मोटी कमाई। इस मिल गए हमें छोटे छोटे बच्चे। फाइनली गाइस बच्चे आ चुके हैं हमारे। जयकारा शेरा वालिदा, दरबार की जय। चलो अब एक बार नारे लगा दो, कौन लगाएगा? बोल साचे दरबार की जय। सारे अब सारे बच्चे बैठ चुके हैं। तो गाइस अब हमारी सज रही है प्लेट कन्याओं के लिए। चलो गाइस कंप्लीट हो चुका है हमारा, हैप्पी नवरात्रि सबको। अब धीरे धीरे बच्चे अभी से घर पे जाएंगे, भाई पकड़ के ले जाओ बच्चों को, ठीक है? मम्मी हो गया कंप्लीट, आप देख रहे हो इन बच्चों को लेके, मतलब लेने के लिए कितने लोग खड़े हैं। क्या आज का ही निकाह दिन, आज का ही निकाह दिन है। फास्ट भी खुली गया है ना, आप खाना खा लो, अब दबा के खाएंगे, अब हमारी बारी खाना खाने की। तो गाइस अब हमारी बारी खाना खाने की, सुबह से हमने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा, अब हम खाते खाना। तो चलो गाइस खाना पीना हो चुका है, सच में बहुत ज्यादा मजा आया यार, जैसे आप लोगों ने देखा, और मतलब अलग ही वाइब्स आते हैं यार नवरात्रों की, माता रानी के नवरात्रों की गुड वाइब्स होते हैं, जैसे बोलते बेस्ट फीलिंग एवर इन द वर्ल्ड, तो सबसे ज्यादा मजा आ जाता है। और हाँ गाइस अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और शाम को 4 बजे मेरी ट्रेन है, बिकॉज मैं हरियाणा जा रहा हूँ, जो मेरा कजन भाई आया था ना अनिकेत, उसके साथ मैं हरियाणा जा रहा हूँ, वहां से मेरे को थोड़ा बहुत सामान लेकर आना है। तो चलते हैं, मैं ज्यादा दिन के लिए नहीं आ जाऊंगा और शायद कल आ जाऊंगा, कल ही आ जाऊंगा या फिर परसों आ जाऊंगा, देखते हैं। तो गाइस अभी मम्मी जा रही है जॉब पर, मम्मी जी से मिल लेते हैं, क्योंकि जब तक मम्मी जॉब से आएगी मैं हरियाणा में आऊंगा, अब 2 दिन बाद आऊंगा। तो बाय मम्मी जी, मम्मी जी का आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है? अब मेरे को ना काफी नींद आ रही है, क्योंकि पापा ने मेरे को एडिटिंग भी करनी है, मेरे को सच में बहुत ज्यादा नींद आ रही है। और एक इनको देखो, ये अपना सो रहे हैं, और अभी एक बंदा यहाँ सो रहा था वो तो उठ गया, क्योंकि जो यहाँ सो रहा था उसको मैंने उठाया, क्योंकि अभी हमें निकलना है थोड़ी देर में, अभी थोड़ी सी एडिटिंग करनी है बाकी मेरे को, आधे घंटे में लोग निकल जाएंगे, तो मम्मी जी से मिल लेते हैं, ठीक है? विपिन तो पता नहीं कहाँ गया, उसे भी घूमने, तो 2 दिन बाद मिलते हैं। मम्मी जी को टेंशन बहुत होती है कि ट्रेन में मैं गेट पे ना खड़ा हो जाऊं। ठीक है। रेडी हो चुके हैं अपना मस्त, मैंने अपनी जैकेट भी डाल ली, क्योंकि भाई रात को बहुत ज्यादा ठंड होती है हरियाणा में, अपने कच्चे बच्चे अरे मतलब जो भी चप्पल वप्पल है ये भी उठी गया है, ठीक है भाई चलते हम लोग, चले भाई चलते हैं, बाय। तो चलो गाइस चलते हैं। तो होपफुली गाइस बस में बैठ चुके हैं और 2 बज रहे हैं और शाम और 4 बजे की हमारी ट्रेन है, तो जाने में 1.5 घंटा लगेगा, तो इसलिए बस में बैठ गए और फटाफट निकलते हैं अपना। तो गाइस बस से उतर चुके हैं और अब जा रहे रेलवे स्टेशन, यहाँ से जस्ट थोड़ी सी दूर में है, पास में ही है, और 3:30 बज चुके हैं, आधे घंटे हमारी ट्रेन आने वाली है, तो फटाफट जा रहे हैं। तो गाइस स्टेशन पहुँच चुके हैं, फिर देखो भाई हम लोग ट्रेन पार कर रहे हैं और सामने ट्रेन भी आ रही है। तो गाइस टिकट ले लिए हमने, तो फिलहाल गाइस बैठ चुके हैं और अभी 20 मिनट बाद में ट्रेन भी आ जाएगी, टिकट भी ले लिया हम लोगों ने, और ठीक है अपना मस्त बैठे हुए हैं। और गाइस इस साल आज पहली बार हो रहा है कि इस साल में ना मैं अनिकेत के घर पूरे 3 बार गया हूँ मैं, इस महीने में ना इस साल में भाई 3 बार चक्कर लग चुके हैं मेरे हरियाणा के, नहीं तो वैसे भाई 2 साल में 1 बार लगते थे पहले, 2 साल में 1 बार और आज 1 साल में 3 बार, कोई बात नहीं अभी और भी चक्कर लगेंगे। तो गाइस हमारी ट्रेन थी 4 बजे की और अभी बज रहे हैं 5, पूरा 1 घंटा लेट है,
बट फिर भी हमारी ट्रेन आ गई है, भगवान के दया से आ तो गई यार कम से कम। खैर मुझे पता आप लोगों को दिख नहीं रही है, पर मुझे दिख गई है। गाइस पॉपट हो गया, बहुत बड़े वाला पॉपट हो गया। हमने सोचा हमारी गाड़ी थी बट वो माल गाड़ी निकली है, देखो वो चली गई। तो फाइनली गाइस ट्रेन आ चुकी है। 5:30 बजे, कितने बजे? 5:15 हो गए भाई। अब हमें जाकर ट्रेन मिली है जो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो लगा थी रात को हमें स्टेशन पे बितानी पड़ेगी, पर ठीक है अब 5:30-6 बजे तक हम लोग घर पहुँचेंगे। तो गाइस यहाँ चार्जिंग पॉइंट मिल गया तो मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगा देता हूँ। और भगवान की दया से सीट भी मिल गई हमें। ट्रेन से उतर चुके हैं, आ चुके अपने स्टेशन सांपला। वो रही ट्रेन, भाई इसने काफ़ी दुखी कर दिया, बहुत लेट आए थे आज ये ट्रेन। पर हमें पहुँचते रात हो गई और हम दिन में निकले थे 2 बजे और अब पहुँच रहे हैं घर पे 7 बजे। और अब चलते हैं घर, और भाई सबसे पहले घर जाकर तो तुम्हारा भाई खाएगा खाना, बहुत भूख लग रही है सही में, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है भाई। तो गाइस एक बात है, हरियाणा में आते ना भाई जो अलग ही खुशबू है ना वो आ जाती है, मतलब अलग ही वाइब्स आ जाती है। अपने होम टाउन की बात ही अलग है, जो हरियाणा सा प्रधान और यहाँ आते ना भाई मेरा ये MDO का और यहाँ आते ना भाई मैंने ना ये हरियाणा का ना मतलब गमछा टाइप ओढ़ लिया, मतलब अलग ही मजा आता है भाई हरियाणा में। तो गाइस एक बात और, यहाँ आते ना पता नहीं ऑटोमेटिकली ना मेरे मुंह से ना भाई हरियाणवी भाषा निकल जाती है ऑटोमेटिकली। मेरे को एक दोस्त मिले थे यहाँ के हरियाणा के, और भाई ऑटोमेटिकली अपने अपना वैसे ना हरियाणवी मतलब बोली जा रही है। और मुझे पता भाई सबको हरियाणवी समझ आती होगी यार, सिंपल है अपनी सिंपल भाषा हरियाणवी भाषा। तो फाइनली गाइस पहुंच चुके हम लोग घर पे, क्या हाल है खुशी? बढ़िया। 2 बजे निकले थे हम लोग और अब पहुंचे हैं 7 बजे के करीब। गाइस मैं आपको अपनी दूसरी मम्मी दिखाऊं, आप लोगों को मेरी मम्मी की शक्ल याद है ना? मौसी नमस्ते, ठीक हो? एकदम मेरी मम्मी के शकल किया, मतलब भाई बहन बहन है तो होने तो चाहिए ना। और हम मिलते हैं हमारे मौसा से। मौसा नमस्ते, ठीक हो ना? सब बढ़िया। अब आए हैं, अब चले जाएंगे मेले में। हाँ तो गाइस अपना मेला लगा हुआ है, मस्त अपना अष्टमी और नवमी का। और गाइस यहाँ आते हैं हम लोग अपने छोटे छोटे सब्सक्राइबर मिल गए हैं। ओ भाई भाई भाई, तेरा यूट्यूब चैनल खोल दू, एक खोल दू है ना? खोल लेता हूँ, ठीक है चल मेले में। मेले में क्यों ना क्यों ना आए रूपा डरगी के। चलेगा ना भाई मेले में? भाई मेरे को ये दोनों बच्चे अपने बहुत 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 बढ़िया लगते हैं मेरे को। अपने हरियाणा का भाई ऐसे छोटे ऐसे होते ऊंट बालक खाते सिस्टम हैंग कर देते भाई, इनसे तुम पंगे नहीं ले सकते, हरा देंगे तुम कोई बातों बातों में। मुझे भी हरा देते हैं अनंस। हाँ। बोलते जय बाबा की, जय बाबा की बोलो। तो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए, हम लोग जा रहे हैं मेले में और रात के 2 बजने वाले हैं भाई, अब हम सुबह ही आएंगे। अभी अभी हम लोग आए थे, यहाँ मैंने आते ही ना अपना फटाफट ब्लॉग एडिट करा और ब्लॉग अपलोड करा, थोड़ा लेट भी हो गया था बिकॉज यार ट्रेन में ना बिल्कुल भी सिग्नल नहीं था, मेरे फोन में बैटरी भी नहीं थी तो मैं एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाता यार। तो अभी मैंने आती एडिटिंग करी है, 8 बजे तक एडिटिंग करके अपलोड करा। आज का दिन थोड़ा लेट ब्लॉग अपलोड हुआ, माफ़ कर देना, तो बट मैंने अपलोड कर दिया है, जरूर कर दिया है, देख लेना जाके। अब चलते हैं अपना मेले में घूमने चलते हैं। अब मैं वहाँ ना लॉन्ग ब्लॉग नहीं बना पाऊंगा क्योंकि यार अनजान मैं जानता भी नहीं हूँ किसी को, फालतू में कोई मेरे हाथ से ब्लॉग करते करते ऐसे कोई हाथ से फोन छीन के चला गया तो मेरी बात है ना नुकसान हो जाएगा, मेरा ब्लॉगिंग चैनल बंद हो जाएगा। तो हाँ शॉर्ट ब्लॉग जरूर बनाऊंगा, शॉर्ट ब्लॉग में जरूर देखना, कुछ भी हाइड नहीं करूंगा, सब कुछ कैप्चर करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा, तो जरूर देखना। मजा आ रहा है, हरियाणा में आ गया है, अपना घूमेंगे फिरेंगे मस्ती करेंगे। ठीक है गाइस रेडी हो चुके हैं, मैं अनिकेत और अंशु जा रही है। और देखो भाई ओ त्यौहार हो रहा था तो पूरा, क्या बात है, रिश्ता तय करवा दो तेरा ऑनलाइन। बिल्कुल भाई, ठीक है गाइस भाई रेडी हो गए, चले कब तक आएंगे? सुबह सुबह, फिर कल सुबह और घूमेंगे, कल सुबह फिर जाना, फिर अगली सुबह फिर जाना। बस भाई बस बस भाई। तो ठीक है गाइस, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा आज का, हम लोगों ने सुबह नवरात्रि भी मना ली, एंड कमेंट सेक्शन में बताना हमारा नवरात्रि कैसा लगा, मुझे पता है यार सब लोग अच्छा ही बोलोगे, बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड, नवरात्रि का दिन अलग ही मजा आता है। सो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आता तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और हाँ आगे का ब्लॉग जरूर देखना, एक्सप्लोर होगा बहुत मजा आने वाला है, तो जरूर देखना, बाय।